हमारा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट है। थैंक यू ऑटो। ठीक है, और कल का क्वेश्चन था सुपर नोड वाला क्वेश्चन था, और उसमें केसीएल में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया था, 2 ओम का एक सर्किट था, और यहाँ पे एक मैंने यूज़ किया था, एक बैटरी यूज़ करी थी। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी थी। आप देख लीजिएगा वही क्वेश्चन है कि नहीं है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था 1 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज़ किया था, और यहाँ पे मैंने एक करंट सोर्स यूज़ किया था, 2 एम्पियर का करंट सोर्स यूज़ किया था, एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया था 2 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज़ किया था, और यहाँ पे एक बैटरी यूज़ करी थी, 10 वोल्ट की एक बैटरी यूज़ करी थी। ठीक है, सबको जोड़ देना था। चलो उसके लिए स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, सबको हमें जोड़ देना। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी जुड़ा हुआ था, ये हमारा V1 था, दिस इज माई V2। तो इसमें हमें KVL लग गया था, KCL में प्रॉब्लम आई थी, KCL देख लेते हैं। और हमें V1 और V2 चाहिए, V1 चाहिए और V2 चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए, अलग अलग यूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो V1 V2 हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 2 नोड है, एक नोड, 2 नोड, और तीसरा नोड है, उसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। सबसे पहले बार कोई भी KCL लगाना, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट है, इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं, इसको रेफरेंस नोड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस नोड। ठीक है, नाम आते हैं अलग अलग, इसको बोलते हैं ग्राउंड नोड, ग्राउंड नोड। ठीक है, और रेफरेंस नोड एक्चुअल में 0 वोल्ट होता है, नॉर्मली हम लोग 0 वहाँ से ही कैलकुलेशन रेफरेंस ले करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस पे होता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे नहीं डिफरेंस होता है, इसे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कहीं पे भी वैलिड नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस वैलिड होता है। खैर वो अलग बात है, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। हमें V1 निकाला था, V2 निकाला था, हमें KCL अप्लाई करना था। KCL अप्लाई करना है, हमारे पास 2 नोड है, V1 V2, तो एक एक करके एक एक नोड पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, बट ये कैसा क्वेश्चन है, सुपर सुपर नोड वाला क्वेश्चन है। सुपर नोड वाला कैसे पहचानोगे, जब 2 नोड के बीच में, व्हेन व्हेन इन बिटवीन 2 नोड, इन बिटवीन 2 नोड देयर इज वन वन वोल्टेज सोर्स। ठीक है, जब 2 नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स होगा तो हम इसे बोलेंगे सुपर नोड। ठीक है, वैसे तो हमें V1 V2 है, तो ऑब्वियसली 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग V1 पे लगाएंगे नोड, एंड नोड इक्वेशन KCL लगाएंगे, फिर V2 नोड पे KCL लगाएंगे, 2 बार KCL लगाना पड़ेगा। बट सुपर नोड से हम लोग को एक ही बार KCL लगाना पड़ेगा, V1 V2 एक साथ ले लेंगे, बस इतना अंतर हो जाता है, क्योंकि हमें 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इससे टाइम बच जाता है। नॉर्मल KCL पे भी आ जाएगा, नॉर्मल KCL लगाएंगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, बट उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2 नोड पे इक्वेशन लगानी पड़ती है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही नोड, एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, हमने क्या होता है, V1, तो हमें करंट कैसे फ्लो करनी है V1 के लिए, इसको क्योंकि हमें V1 नोड पर चढ़ जाना है, और मान के चलना है कि V1 सबसे हायर पोटेंशियल है, तो करंट कहाँ जाएगी, हाई से लो, करंट क्या जाएगी, हाई से लो। ठीक है, ऐसे ही V2 के लिए V2 पर चढ़ जाना है, V2 के लिए करंट कहाँ जाएगी, हाई से लो, और V2 के लिए यहाँ पर भी करंट कहाँ जाएगी, हाई से लो। तो पहले V1 के लिए V2 के लिए एक साथ नोडल, लेकिन नोडल दे सकते हैं यहाँ की करंट, इस ब्रांच की करंट। ठीक है, देख पा रहे होंगे, स्पॉटलाइट देता हूँ, इस ब्रांच की करंट। देखिए एक चैट भी आ गया मेरे पास, ठीक है, साइड बाय साइड चैट भी देख लेते हैं। ओके सर, ओके सर, आई वांट टू सॉल्व यूजिंग नॉर्मल KCL मेथड। ओके, नॉर्मल KCL मेथड से कर लेंगे, बट यहाँ अगर तुम्हें नॉर्मल KCL मेथड से करना है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल KCL मेथड करना है तो चलिए पहले इस मेथड से करा दें, फिर नॉर्मल KCL मेथड करा देंगे, जो बच्चे आए उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले से हम लोग कर लेते पहले, फिर नॉर्मल से कर लेंगे। ठीक है, तो V1 यहाँ कैसे करंट फ्लो करेगी, V1 -10 अपॉन 2। ठीक है, V1 -10 ये वोल्टेज हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस करंट हो गया।
प्लस यहाँ पे कितना जाएगा वी वन माइनस सॉरी वी वन माइनस जीरो अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये सुपर नोड वाला क्वेश्चन आ गया तो वी टू एक साथ ले लेंगे, तो वी टू में कौन सी करंट जा रही, वी टू माइनस जीरो बाई वन प्लस वी टू माइनस जीरो बाई वन, ठीक है। और यहाँ पे वी टू का करंट यहाँ जानी चाहिए थी नीचे की तरफ, बट यहाँ पे जो करंट सोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे करंट कितने लेंगे माइनस टू एम्पीयर। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ये हमने जो करंट मानी थी और एक्चुअल करंट इसके अपोजिट है, तो माइनस ले लिया। तो यहाँ पे वी वन और वी टू में जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका वी वन जब आप सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, वी वन प्लस वी टू इक्वल टू सेवन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, वी वन और वी टू के बीच में केवल एक ही वोल्टेज लगाओ, याद रखिएगा यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगाना चाहिए, केवल और केवल वोल्टेज होगा तभी सुपर नोड लगेगा, अदरवाइज सुपर नोड नहीं लगेगा। जब नोड नोड के बीच में ओनली ओनली वोल्टेज, ओनली वोल्टेज कह सकते हो, वन वोल्ट लगाओ या टू वोल्ट लगाओ हमें नहीं मतलब है, ओनली वोल्टेज सोर्स है उसके अलावा कुछ भी ना हो तब लगेगा हमारा सुपर नोड। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा तो सुपर नोड नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ओके, तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास दूसरा क्या जाएगा, वी वन माइनस वी टू इक्वल टू फाइव वोल्ट, ठीक है। जब उसको सॉल्व करोगे तो वी वन आ जाएगा आपका सिक्स वोल्ट एंड वी टू आ जाएगा वन वोल्ट, वी टू आ जाएगा आपका वन वोल्ट, ओके। आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट, ठीक है। चलिए आगे करें, आगे करते हैं। इसको नॉर्मल केसीएल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं, यही क्वेश्चन था और तो का, नॉर्मल केसीएल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे नॉर्मल तो करना वाला बात ही नहीं है क्योंकि उससे और कंफ्यूजन ही होगा, बट चलो आपने क्वेश्चन पूछा है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल से तो कोई मतलब ही नहीं बचता, नॉर्मल से हम तब लगाते हैं जब सुपर नोड वाला नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल से कैसे लगाएंगे आपको हिंट दे देता हूँ, सिंपली यहाँ वी वन हो गया, V1 पे एट नोड V1 पे लगेगा, तो V1 पे क्या लगेगा, V1 माइनस टेन अपॉन टू प्लस V1 माइनस जीरो अपॉन टू, और यहाँ पे जो करंट होगी लेट सपोज दैट इसको I मान लेंगे, लेट सपोज दैट I मान लेंगे, समथिंग I मान लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस I इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एट नोड V1, सेकेंड आप लगाओगे एट नोड V2, तो आप देख रहे होगे V2 पे क्या लगेगा, V2 पे देखिए V2 माइनस जीरो अपॉन वन प्लस ये जो करंट नीचे की जानी थी ये ऊपर की ओर आ रही है तो माइनस टू एम्पियर, और इधर की ओर देखो करंट कहाँ जानी चाहिए V2 के लिए, इस ओर जानी चाहिए, बट हमारी एक्चुअल करंट कहाँ जा रही है, इस ओर जा रही है, तो ये माइनस आई इक्वल टू समथिंग, इस सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या मिलेगी, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इक्वल टू 5 वोल्ट, तो थ्री इक्वेशन थ्री अननोन V1 V2 I, तो आप कैलकुलेट करोगे तो V1 V2 V1 आ जाएगा आपका 6 वोल्ट, V2 आ जाएगा 1 वोल्ट, और I आप निकाल I आपको जरूरत नहीं है, तो तीन इक्वेशन तीन अननोन जब आप सॉल्व करोगे तो इट्स वेरी टफ केस है, तो कोई मतलब नहीं बनता उसको सॉल्व करने का, या हमको तीन इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाए तो और टाइमिंग वेस्ट जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी गुड थिंग कि हमें टाइम वेस्ट करना, ओके ओके ओके। तो हम लोग इसलिए केसीएल नहीं लगाते, बट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होता कोई मान लीजिए 3 ओम का रेजिस्टेंस होता तो हमको लगाना पड़ता, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, जस्ट है सर आई वॉन्ट टू सॉल्व यू की नॉर्मल, ओके गॉट इट, ओके ओके गॉट इट, थैंक यू, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्यों हम लोग नहीं लगाए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें एग्जाम में जब हम एक्चुअल एग्जाम बैठते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे एक एक मिनट एक्चुअल में एक क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास एक मिनट कम हो जाता है, ठीक है। तो सोचो जो क्वेश्चन आपको आ ही रहा था और कर सकते थे, एक मिनट की वजह से आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाती है और कट ऑफ नहीं पार कर पाते हो या अच्छा रैंक नहीं बन पाता है, तो बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग को ही दिक्कत है। खैर इंडिपेंडेंट सोर्स वाला हमने देख लिया प्रॉब्लम, आज हमारा नया है, देखिए अभी हम टॉपिक टॉपिक करवा दे रहे हैं,
कल हम सोच रहे हैं कि कल आपके सारे सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, आए हुए क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर है ना अरुणाचल प्रदेश जेल के, वो क्वेश्चन पेपर के सारे न्यूमेरिकल ले लेंगे अभी तक जितना भी पढ़ाया हुआ है। तो कल की क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कल हम एक्चुअल में क्वेश्चंस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, आज टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, कल हम लोग केवल क्वेश्चंस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक बूस्टिंग मिल जाए कि हाँ चलो सर जो पढ़ा है उसका कोई यूज तो है। चलिए आगे चलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स के लिए हम लोग प्रॉब्लम देख सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम, डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स प्रॉब्लम, ये कैसे प्रॉब्लम होती है या नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा सुना आएगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से बना दिया था। ठीक है, तो इस बार मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अच्छे से बना दूँ, क्या बनेगा नहीं क्या। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया। ठीक है, इस बार थोड़ा सर्किट अच्छे से बनाऊंगा मैं। ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अच्छे नहीं बनता, बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं आपने उसी में सब कुछ बिचू मुझे कर दिया तो इसलिए अब कोशिश करेंगे इस बार सर्किट अच्छे से बने। ठीक है, कि आप लोगों को फील आए कि हाँ सर थोड़ा सही तो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, मान लीजिए 10 वोल्ट का हमने वोल्टेज सोर्स दे दिया, और यहाँ पे हमने एक 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर लिया है, यहाँ पे हमने 2 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया है, यहाँ पे हमने 3 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया है, यहाँ पे एक करंट सोर्स यूज कर लिया है, ऐसे एक करंट सोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये बॉक्स बना है, बॉक्स बनने का मतलब क्या होता है, एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, बट जब ऐसे स्टार वाले बॉक्स के अंदर कुछ लिखा होता है तो वो कैसा होता है, डिपेंडेंट सोर्स। स्टार तक डिपेंडेंट सोर्स बताए थे, वोल्टेज सॉरी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये कैसा है, अगर इसमें मान लीजिए हमने लिखा है इसकी वैल्यू 2 Vx, तो आप देख रहे हैं ये कौन सोर्स कौन सा है, करंट सोर्स है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज। तो ये कैसा सोर्स हो गया, ये एक्चुअल में हो गया एक करंट सोर्स वोल्टेज डिपेंडेंट, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे एक इन्होंने वोल्टेज दिया है Vx, एक 1 ओम के रेजिस्टेंस अक्रॉस Vx है, और इस करंट सोर्स की वैल्यू 2 Vx है, तो इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इस करंट सोर्स की वैल्यू इस वोल्टेज के इसके वोल्टेज से डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये, तो आपसे पूछा गया है Vx क्या होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, Vx क्या होगा आपसे। ठीक है, ठीक है, करें तो हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैश एनालिसिस, या मैश बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, KVL, या कुछ भी बोल लीजिए, मैश एनालिसिस बोल लीजिए, या KVL बोल लीजिए, या लूप एनालिसिस बोल लीजिए। ठीक है, KVL मैथड से करते हैं इसको, KVL मैथड से कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको इरेज कर देते हैं, ये जो मैंने लिखा है और जी का लिखी है। ठीक है, केबल मैथड से कैसे करते हैं, हमारे पास मैश ढूंढना पड़ेगा, मैश एनालिसिस कैसे करते हैं, 1 मैश 2 मैश, तो एक मैश है तो उसमें मान लीजिए I1 करंट हमने फ्लो करा दी, और दूसरे मैश है तो उसमें हमने I2 करंट फ्लो करा दी, एज सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो मुझे बता चलिएगा, मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा। I1 करंट यहाँ फ्लो करा ली, I2 करंट हमने यहाँ फ्लो करा ली। ठीक है, और एक आपके पास मैश, या सॉरी ये मैश है, अगर लूप भी ले जाते तो एक बड़ा वाला लूप, देखिए ये भी बन रहा है, तो आप लूप बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो, आप जैसा सॉल्व करना चाहते हो वैसे सॉल्व करो। चलो अब की बार लूप लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो KVL है, तो KVL किसी भी लूप पे लग सकता है, किसी मेश पे लग सकता है, तो चलिए लूप से कर देते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस बार। तो मान लीजिए बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, मान लीजिए बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, तो यहाँ से चलते हैं, पहले तो हम लोग को पोलैरिटी दे देना, मैंने पोलैरिटी बताया ना कैसे देते हैं, प्लस माइनस दे दिया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, और I1 यहाँ जा रहा है, ये प्लस माइनस पहले दे रखा है तो हमें देने जो अपनी, I2 कहाँ जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस। सबसे पहले टेबल के लिए हमने पोलैरिटी असाइन कर दी ब्लू कलर से, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ इस पॉइंट से मान लीजिए हम लोग ने चलना शुरू कर दिया सर्किट में,
सर्किट में लूप वाइज चलेंगे, जहाँ चलेंगे वहीं पे आकर के मिलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने चलना शुरू कर दिया, तो पहले हमें क्या मिला, 10 वोल्ट की बैटरी, और पहला साइन क्या मिला, माइनस, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस 10। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिला, एक वोल्टेज, वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटू I1 करंट, 1 × I1 कितना वोल्टेज मिल जाएगा, I1। तो Vx कितना है एक्चुअल में, I1, Vx कितना है, 1 × I1 या I1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I1, और कितने कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस, तो प्लस I1। ठीक है, तो Vx हमारा है I1। ठीक है, फिर उसके बाद इधर चलते हैं, इधर कौन सी करंट है, I2 करंट है। ठीक है, इस लूप के बाद इधर चलना है, 2 ओम में चलना है, तो साइन कौन सा मिल रहा है, साइन पहले लिख लेते हैं, प्लस साइन मिल रहा है, और कितना वोल्टेज होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट है I2, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो 2 × I2, ये हमें करंट मिल गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आगे चलते हैं, तो 3 × I2, और कौन साइन है, प्लस है, तो प्लस लिख दिया, तो 3 × I2, और ऑल दी सम ऑफ दी वोल्टेज शुड बी 0। एज सिंपल एज दैट, उसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, बहुत सिंपल तरीका है, KVL इसी तरीके लगाया करो, सबसे पहले साइन असाइन कर दिए, फिर उसका जस्ट साइन रखो, वैल्यू रखो, साइन रखो, वैल्यू रखो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, यहाँ से I1 आ जाएगा, ये 5 I2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, I1 + 5 I2 = 10। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, किसी को प्रॉब्लम है, I1 = 5 I2। अच्छा, यहाँ से देख लो, ये I1 इधर क्यों जा रही है, I2 इधर क्यों जा रही है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, 2 Vx की, और किस डायरेक्शन में है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर करंट, ऊपर की कौन कौन जा रही है करंट, I2। तो यहाँ पे क्या है, I2 - सॉरी स्मॉल में हमने बनाया है, स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, तो I2 - I1 क्या है, 2 Vx, यानी किसी को बात समझ में नहीं है तो मुझे बता दीजिए, I2 - I1 = 2 Vx, क्यों, क्योंकि I2 ऊपर की जा रही है और इस करंट सोर्स की वैल्यू भी ऊपर की जा रही है, तो I2 जीतेगा, तो I2 - I1 यहाँ पे रिजल्टेंट करंट है इस ऊपर की ओर, तो वो कितनी है, 2 Vx के बराबर, और Vx किसके बराबर है, Vx है हमारा I1 के बराबर, तो I2 - I1 = 2 × I1, 2 × I1। तो यहाँ से आप देख सकते हो, और दो इक्वेशन, दो अननोन, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सिंपली I2 = something रख दो, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, तो I2 कटाना, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Vx वैल्यू चाहिए, Vx मीन्स I1 के टर्म्स में, तो हमें I2 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, I1 कितना आ जाएगा, I1 = I2/3, यहाँ पे रख दीजिए I2/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, I2 = कितना आ जाएगा, I2 निकालिए, I2 = क्या आ जाएगा, 3 I1, I2 = कितना, 3 I1, तो यहाँ रख दीजिए I2 = 3 I1, तो कितना आ जाएगा, 3 × something, 3 I1 × 3 I2, तो कितना आ जाएगा, 15 I1 = 10, तो कितना आ जाएगा, I1 = 10/16 means 5/8 ampere, तो Vx क्या है, I1 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 5/8 volt। किसको नहीं समझ आया मुझे बता दीजिए एक बार, किसको नहीं समझ आया मुझे बता दीजिए एक बार, एनी प्रॉब्लम, चलो बेटा अब आपके लिए है, जल्दी से मुझे KCL से करके बताओ, KCL से करके बताओ, वेरीफाई करो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे KCL से करके बताओ, वेरीफाई करो सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, एवरीवन शुड बी अलर्ट। ठीक है, मुझे हर बच्चे का रिस्पॉन्स इस बार चाहिए बेटा, प्लीज सब लोग करेंगे ये क्वेश्चन को KCL से, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन KCL से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने KVL से बताया KCL से बताना है, एक ही नोड है, KCL से करेंगे तो एक ही नोड है आपके पास, वन नोड, सिंपल वन नोड, मान लीजिए उसको V1 मान लीजिए, बस KCL लगाते हैं, नोड एनालिसिस करना है, प्लीज करके बताइए मुझे सब लोग, और फिर मुझे वेरीफाई कीजिए कि Vx 5/8 आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर उसके बाद नहीं कर पाओगे तो मैं करवाऊंगा भी,
ठीक है, तो आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, प्लीज जल्दी जल्दी करिए, प्लीज 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 प्लीज, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्टिव बनिए, एक दो बच्चे ही रिस्पॉन्ड देते हैं और बच्चे नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है नोट्स बनाना चाहिए, बट साथ में रिस्पॉन्स भी देना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिव इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल बनना है वही हो सकता है जो रिस्पॉन्सिव हो सकता है, दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताइए केसीएल से कब तक मैं इसको इरेज कर दूँ, साइड बाई साइड में इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग बता रहे हो मुझे केसीएल से, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे केसीएल से बताना है अंतर और वेरीफाई करना है, सबको वेरीफाई करना है, नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, जिसको नहीं आ रहा है वो ये भी लिख दे कि सर नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर बताऊंगा, बट उतना को रिस्पॉन्स दीजिए कि आप केसीएल उसको लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे, अदरवाइज मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव, सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। किसका किसी का आया, मेरे को चैट आया, चैट आया किसी का, सर नहीं हो रहा, नीलम का, कोई बात नहीं बेटा मैं भी बताता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है रिस्पॉन्स दिया बच्चे ने, ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं सर, कि एटलीस्ट नहीं आया तो सर नहीं आया, ठीक है, ये होना चाहिए, बट आना चाहिए, बट ये है कि आप लोग को पूछना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम अब पढ़ना शुरू कर देते हैं इसको बाय यूजिंग केसीएल, या हम लोग बोल सकते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो दो नोड है, एक ये नोड एक ये नोड, तो इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ये जीरो हो गया, ग्राउंड हो गया, और दूसरा नोड को हमने V1 मान लिया, कोई भी मान सकता है, जैसे आपको नाम नाम अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारी करंट कहाँ कहाँ जाएंगी, इधर की ओर और इधर की ओर, वी में हमने कैसे केसीएल बताया, उस नोड पे चढ़ जाइए, उस नोड पे चढ़ गए मीन वो सबसे हायर हो गया, तो इस सारे के सारे सर्किट में सबसे बड़ा हायर हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल V1 है, तो सारी सारी करंट की डायरेक्शन में क्या बता दी, V1 से बाहर की ओर जा रही है, हमने मान लिया, हमारी मर्जी, हम क्यों नहीं मान सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल सबसे अच्छी बात है कि हम अपने मान के काम करते हैं, वो हमारी मर्जी होगी, हम वही मानते हैं, ठीक है। यहाँ से लगाते हैं इक्वेशन, KCL क्या करता है, KCL मीन्स ऑल सम ऑफ ऑल द करंट शुड बी जीरो, यहाँ से करंट कौन सी करंट निकल ली, यहाँ से करंट निकल ली होगी, वो कितनी होगी, V1 माइनस 10 अपॉन 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो V बाई आई आर होता है I, तो V कितना है, V1 माइनस 10 अपॉन 1 ओम। एक और चैट आई, देख लेते हैं साइड बाय साइड किसी की चैट आई है, नेटवर्क ठीक नहीं है, बेटा मेरी तरफ से नेटवर्क तो ठीक है, आप लोग एक बार चेक कीजिए, नेटवर्क ठीक है, मेरी तरफ से नेटवर्क ठीक है, मेरी तरफ से ऑल ओके है, आप प्लीज चेक कीजिएगा नेटवर्क अपना, ठीक है, हो सकता है आपका बेटा खराब हो, क्योंकि मेरी तरफ से तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है नेटवर्क में। चलिए तो V1 माइनस 10 बाई 1 ओम, ठीक है, याद कितनी करंट आएगी, V1 माइनस 0 बाई कितना कितना आपका है रजिस्टेंस, 2 प्लस 3 5, तो टोटल रजिस्टेंस गया 5, तो V1 माइनस 0 बाई 5, और यहाँ हमने करंट नीचे की ओर मानी, एक्चुअल करंट कहाँ है, ऊपर की ओर है, एक्चुअल करंट हमारी ऊपर की ओर है, तो हम लोग निगेटिव साइन ले लेते हैं, ठीक है, बोझ देता हूँ कितनी वैल्यू करंट की, 2 Vx, तो ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, V1 यहाँ से 5 LCM ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 5V1, ये 1V1, कितना आ जाएगा, V1 माइनस 10, ठीक है, V1 बाई 5, तो ये आ जाएगा 3V1, देखिए मैं सही लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, 5VF इक्वल टू 25, देख लीजिएगा मैं सही लिख रहा हूँ, V1 5V1 1V1 6V1, ठीक है, ये जाएगा 15, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ये मैंने इक्वेशन बना दी, देखिएगा आपका सही इक्वेशन है,
देखिए मुझे आप लोग लिखते चलिएगा, वेरीफाई भी करते जाएगा कि ये सही क्वेश्चन है कि नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ कि आप लोग कर लोगे एलपीएम लेकर के सिंपली सॉल्व करना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके अच्छा, यहाँ पे करंट इस वाली सर्किट में देखो करंट कितनी है, याली याली ब्रांच में, याली ब्रांच में कितनी करंट है, याली ब्रांच में कितनी करंट बताई थी? V1 -10/1 ओम। कितनी करंट बताई थी? V1 -10/1 ओम, यही करंट बताई थी मैंने। और वो करंट किसके बराबर होगी? इतना वोल्टेज Vx है, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज Vx है, तो Vx/1 ओम, Vx/1 ओम, ये दोनों करंट सेम होंगी, होंगी कि नहीं, होंगी कि नहीं, होगी। तो मतलब Vx इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी V1 हटाना हमको, ठीक है? हमें क्या निकालना है? Vx निकालना है, तो हमें V1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि V1 एलिमिनेट करना है। तो Vx कितना आ जाएगा? V1 इक्वल टू Vx+10। यहाँ वैल्यू रख दीजिए V1 की जगह, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 × Vx+10। ओके, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, Vx+10 लिखने पर, तो Vx+10 -5Vx = 25। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? ये 3Vx और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ओके ओके, एक सेकेंड इसको देखिए कितना आ जाएगा, सॉरी ओ ओके ओके ओके, एक प्रॉब्लम है, यहाँ देखिएगा हमने माना है V1 -10/1, तो यहाँ की करंट हमने इधर क्यों माना है? बट Vx जिस तरह से पोलैरिटी गिवन है उस हिसाब से करंट कहाँ होनी चाहिए? इधर की ओर। यहाँ कितना आ जाएगा? -5। यहाँ कितना आ जाएगा? -5। तो ये कितना हो जाएगा? ये कुछ अलग आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि प्लस यहाँ पे माइनस इधर है, तो एक्चुअल करंट यहाँ पे है, तो इसलिए दोनों करंट अपोजिट है, तो हमने माइनस साइन लगाया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कितना हो जाएगा? -Vx। तो Vx कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, इसको फिर से कर लेते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको फिर से कर लेते हैं, कुछ बच्चों में कंफ्यूजन भी हो जाएगी। देखो हमने करंट प्लस माइनस यहाँ दिया है, प्लस माइनस यहाँ दिया, तो यहाँ कितनी करंट जाएगी? Vx/1 ओम। गेटिंग माई पॉइंट? Vx/1 ओम ये करंट हो गई। अगर इधर की वो करंट है तो ऑब्वियसली करंट कितनी रहेगी? 10 -V1/1 ओम, 10 -V1/1 ओम, ठीक है? अभी ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हुई। देखिए यहाँ पोलैरिटी इसने दे दी थी, इस सर्किट में इसने पोलैरिटी पहले से दे दी है, तो हमको मानना ही पड़ेगा कि ये करंट कहाँ जाएगी? इधर की ओर। तो Vx/1 इधर की ओर है, तो ऑब्वियसली इधर की ओर करंट जा रही होगी, तो 10 वोल्ट इज हायर देन V1, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10 -V1/1। तो Vx कितना आ जाएगा? समथिंग। तो V1 कितना आ जाएगा? V1 आ जाएगा 10 -Vx, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है? V1 कितना आ जाएगा? 10 -Vx, ठीक है? अभी ठीक है, किसी कंफ्यूजन में प्लीज बता दीजिए मुझे, मैंने क्या गलती करी थी, आप पकड़ पाए? करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? खैर हम लोग लाइव क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती तो अलाउड है, चलिए, मगर अल्टीमेटली सही आना चाहिए, हमें गलतियों से सीखना आना चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 33 -3Vx और -5Vx शुड बी कितना हो जाएगा? 8 -8Vx, और ये 30 है, ये 50 है, तो ये आ जाएगा 5, और ये इधर चला जाएगा Vx, तो Vx कितना आ जाएगा? 5/8, Vx कितना आ जाएगा? 5/8, तो हमारा क्या हो गया? हमारा हो गया वेरीफाइड, हमारा क्या हो गया? वेरीफाइड, क्योंकि आपने केसीएल लगाया तो भी सेम आया, केसीएल लगाया तो भी सेम आया, मगर केसीएल छोटे में लग गया, केसीएल जल्दी लग गया।
वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब आपको नोड वोल्टेज निकालना हो या कभी भी वोल्टेज निकालना हो तो हमेशा केसीएल लगाया करो, जल्दी हो जाएगा। जब हमको वोल्टेज निकालना हो ठीक है, और जब भी हमको करंट निकालना हो तो हमें केवीएल लगाया करो। जब भी हमको ब्रांच करंट निकालना हो, किसी ब्रांच में करंट, जैसे हमको अगर कोई बोलता इधर की करंट बताओ या इधर की करंट बताओ या इधर की करंट बताओ, ये थी ब्रांच करंट, तब हमको कोशिश करना केवीएल लगाओ, जल्दी लग जाएगा। और जब भी कोई बोलता है इतना वोल्टेज बताओ या वी वन बताओ या वी एक्स बताओ या थ्री ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तब हमें तो कोशिश किया वो केसीएल लगाते, जल्दी हो जाए। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ, आप लोग की मर्जी, आप कुछ भी लगाओ ठीक है, बट आपका एक्चुअल में अल्टीमेटली जल्दी लगाना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप केवीएल केसीएल दोनों को लगा के बैठने से, तो एक क्वेश्चन में केवीएल लगाया फिर केसीएल लगाया, जैसे सर लगवा रहे हैं, फिर हम वेरीफाई करेंगे इसमें टाइम कम लगा। नई बात ये नहीं करना है वहाँ पे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दोनों को अलग अलग तरीके से, ताकि आपको केवल केसीएल भी तुरंत तुरंत आपका एक्सपीरियंस होता रहे। ठीक है, केवल केसीएल बार बार हर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ताकि आपकी वो भी प्रैक्टिस होती रहे। बट वहाँ पे नहीं कि एक ही क्वेश्चन को केवल से भी लगा रहे हैं, केसीएल से भी लगा रहे हैं, तो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ को जल्दी लगाना है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चले। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो आगे चले। थैंक यू ऑटो। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेना कि केवीएल कहाँ लगाते हैं, केसीएल कहाँ लगाते हैं, वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। खैर इसको एरेज करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन ही लगाएंगे, एक और क्वेश्चन लगाते हैं डिपेंडेंट सोर्स वाला, तो आपको सामने आ जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स सपोज दैट एक हम लोग एग्जांपल ले, ठीक है, और एक और टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी बात थोड़ा सा अच्छे से चीज़ें आपको लिख दिया करो, क्योंकि आपको भी आसानी हो जाए। लेट्स सपोज दैट एक वोल्टेज लगा हुआ है 10 वोल्ट, और वोल्टेज लगा हुआ है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक करंट है 3 एम्पीयर का एक करंट है, और यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है। जो कैसा डिपेंडेंट सोर्स है, इस तरीके से एक प्लस लगा हुआ है, एक माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 2 IX। तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन देखना है, कौन सा क्वेश्चन है, डिपेंडेंट सोर्स का है, और ये डिपेंडेंट सोर्स कैसा है, ये प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस कहाँ होता है, एक वोल्टेज सोर्स में, तो ये कैसा है, वोल्टेज सोर्स, बट इसकी वैल्यू किसकी टर्म्स में, करंट के टर्म्स में, तो कैसा हो जाएगा, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो आप इसको पहचान भी लीजिएगा कि प्लस माइनस, अगर ये करंट का सिंबल लगा होता तो ये करंट सोर्स होता, ये प्लस माइनस वोल्टेज का सिंबल, तो वोल्टेज सोर्स है, और इसकी वैल्यू किस टर्म्स में, करंट के टर्म्स में, IX के टर्म्स में, तो हम लोग बोल देंगे करंट डिपेंडेंट। तो ये वोल्टेज सोर्स है, करंट डिपेंडेंट है, और IX आपको दी गई है 2 ओम के अक्रॉस IX है। तो आप देख रहे होंगे इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इसकी, इस 2 ओम के अक्रॉस जो भी करंट है उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये पूछा गया IX क्या होगा, ठीक है, IX क्या होगा। तो सबसे पहले केवीएल से लगाइए, सब लोग लगाइए इसी क्वेश्चन को, केवीएल से लगाइए। आप लोगों के पास 2 मिनट है, प्लीज केवीएल से लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए, आपके पास 2 मिनट है। फिर भी मैं चाहता हूँ केवीएल से कैसे आप लोग लगा पा रहे, नहीं लगा पा रहे, ज़्यादा सारे बच्चे केवीएल से लगाएंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन किया था वैसे मैं इस क्वेश्चन को ही करूँगा। केवीएल से सब लोग लगाइए क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से आपको ये खत्म करना है, फिर थ्योरम से भी जाना है, आज हम थ्योरम से भी पढ़ेंगे, सॉरी। तो प्लीज जल्दी लगाइए केवीएल से, प्लीज लगाइए जल्दी केवीएल से, ऑल ऑफ यू, अब की बार मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, इस बार मैं सबको नाम भी ले ले रहा हूँ, अजो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, बारी प्लीज रिस्पॉन्स दीजिएगा, बम बम लिखा बम, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बॉमिया
ठीक है, क्या आप प्रोनाउंसिएशन होता है, मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ प्रोनाउंसिएशन में, तो आप प्लीज़ आप भी समझ जाइएगा, तो आप भी रिस्पॉन्ड दीजिएगा C1689, प्लीज़ आप भी रिस्पॉन्ड दीजिएगा, नीचा आप भी रिस्पॉन्ड दीजिएगा, नीलम आप भी रिस्पॉन्ड प्लीज़, और एक उत्सुक तो सर रिस्पॉन्ड देते ही हैं, ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्ड दीजिए इस बार, केवल लगाइए, गलती कीजिए, बिल्कुल गलती कीजिए, नो डाउट, आप गलती करोगे तभी सीखोगे, बट गलती कीजिए, बट गलती कीजिए एटलीस्ट, गलती करने के डर से गलती मत कीजिएगा, है कॉपी पेन आपके पास है, इसको सॉल्व कीजिए, जहाँ डाउट है मैं फिर से बताऊंगा, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, हाँ सर यहाँ मैंने गलती करी, ठीक है, तो प्लीज़ लगाइए, सब लोग लगाइए, और मुझे आई एक्स की वैल्यू चाहिए, वेरी सिंपल थिंग, आई एक्स की वैल्यू चाहिए, देखिएगा यहाँ पे जब हम करंट पूछ रहे हैं तो देखिए केवीएल आसान हो जाएगा, केसीएल थोड़ा मुश्किल होगा, देख लीजिएगा वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी करंट की बात करते हैं तो वहाँ हमेशा बोलते हैं केवीएल आसान करता है, जहाँ पे हम वोल्टेज की बात करते हैं वोल्टेज निकालना है वहाँ पे केसीएल आसान करता है, तो देखेंगे हम लोग केवीएल के थ्रू दोनों लगाएंगे और फिर देखेंगे कौन आसान है इस केस में, कौन आपका टाइम बचा रहा है, ठीक है, तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आई सब लोग बताइए, आई एक्स वैल्यू प्लीज रिस्पॉन्सिव बनिए, रिस्पॉन्स जब तक गलत सही कुछ भी हो, नहीं आ रहा ये भी लिखिए सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है जैसे पहले लिखा था नीलम ने तो भी मैं बता दूंगा, बट कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और ये तभी लिखोगे जब नहीं हो पा रहा जब आप करने की कोशिश कर रहे होगे, तभी आप नहीं हो पा रहा होगा ना, तो इसका मतलब आपने कोशिश की थी कम से कम, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ओके समथिंग रिस्पॉन्स किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आगे तो नहीं बढ़ूंगा जब तक क्या बताओ करें किया कि नहीं किया, अभी बताऊंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्टीमेटली आते ही आते हैं आपके एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे पास होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बिना सॉल्व किया आपको कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे बता रहे होंगे आप सब लोग, हम देखें देखिए एक चैट आ गई कितनी आई है, ऑटो 1.4, यस ऑटो ने बोला आई एस वैल्यू 1.4, आई एस वैल्यू 1.4, गुड ऑटो 1.4, गुड ऑटो, और किसी का नहीं आया, खैर एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, केवल लगाते केवल लगाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं केवल के लिए, जहाँ प्लस माइनस है सबसे पहले वो दे दो, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दे दिया, अलग यूज कर लेते हैं अलग, प्लस माइनस दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ से प्लस माइनस दे दिया, ठीक है, एक आई वन करंट बढ़ा लिया, एक आई टू करंट बढ़ा दिया, एक आई वन एक आई टू, ठीक है, आई वन आई टू करंट दे दिया, तो ये हो गया प्लस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस, और ये तो आपका रिस्पॉन्सिव था तो ये करंट इधर से जा रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पे भी करंट आपको कोई टेंशन नहीं, ये कौन सा है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, सुपर मेश, सुपर मेश, सुपर मेश का बताया, जब एक मेश दूसरे मेश के बीच में एक करंट सोर्स आ जाए, केवल करंट सोर्स आ जाए तो सुपर मेश लग जाता है, कैसा लग जाता है, सुपर मेश, सुपर मेश में सबसे पहले इक्वेशन तो मिल जाएगी, 3 एम्पियर ऊपर जा रही, ऊपर कौन सी करंट जा रही है, आई टू, तो 3 एम्पियर भी ऊपर जा रही है, आई टू भी ऊपर जा रही है, तो कौन जीतेगा, आई टू, तो आई टू माइनस आई वन कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, फर्स्ट इक्वेशन, देखिए सुपर मेश की आसानी हो जाती है, तो फर्स्ट इक्वेशन का आपको मिलती है आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 3 एम्पियर, और बस इस बड़े वाले लूप में हम एक इक्वेशन लगा लेंगे, तो बहुत सिंपल है, चलते हैं इक्वेशन में, यहाँ से ट्रेवल करते हैं, यहाँ चलते हैं, इस बड़े वाले लूप में हम चलते हैं, यहाँ पहले क्या आ जाएगा 10 वोल्ट, और पहला साइन क्या रहा माइनस, तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 2 इंटू आई वन, तो 2 I1, और साइन क्या आ रहा है प्लस, इसका यहाँ साइन क्या है प्लस है, और यहाँ वोल्टेज कितना है 1 इंटू आई टू मतलब आई टू, ठीक है,
और यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है वी वन है 2 ix, तो 2 ix वोल्टेज ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ओके 2 ix वोल्टेज वी वन है, यहाँ से हमको ix निकालना है, ठीक है, 2 ix वोल्टेज गिवन है, ix निकालना है, एनी प्रॉब्लम, 2 वोल्टेज गिवन है, ix निकालना है, तो i2 कितना हो जाएगा, i2 यहाँ पे हो जाएगा, i2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस i1, और हमें पता है ix किसके बराबर है, ix है i1 के बराबर, है ना, तो सब जगह सेम ही चीज रख देते हैं, -10 2 into i1, i1 किसके बराबर है ix के, तो यहाँ पे ix आ जाएगा, प्लस i2 क्या है 3 प्लस i1, और i1 किसके बराबर है ix के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस ix, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस ix, और यहाँ पे 2 into ix, और इक्वल्स टू 0 चल रहा था, तो इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ix कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 7, तो देखिएगा हम सोचे कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, यस इसको कॉल कीजिए, देखिए 2 into ix सही है, ix टू i1 i2 इक्वल टू 3 प्लस ix, ओके 10 प्लस 3 30 समथिंग आ जाएगा आपको 7/5, सही लिख रहा हूँ ना मैं, ix ये कितना हो जाएगा 3 ix प्लस 2 ix 5 और 10 माइनस 7 तो 7/5, 5 कितना आ गया 7/5 एम्पियर, 7/5 एम्पियर, तो आपको केवल एक इक्वेशन लगानी पड़ी, एक ही केवल लूप सॉल्व करना पड़े, यहाँ पर दो लूप सॉल्व नहीं करने पड़े, एक ही लूप सॉल्व करना पड़ा, यार लूप, और आप सर आपके सामने, एनी प्रॉब्लम, अब जल्दी से मुझे इसको आपको करना है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको करना है आपको KCL को, जल्दी से कीजिए KCL को, जल्दी से मुझे KCL कीजिए, और देखिए IS 7/5 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से मुझे KCL से कीजिए, और IS 7/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और देखिए उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जल्दी से मुझे कीजिए, जल्दी से, और मुझे रिस्पॉन्स बताइए कि IS सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए हर एक क्वेश्चन में जितना भी टेक्निक पढ़ाया रहा KCL KVL सब कुछ पढ़ाता जा रहा हूँ फिर से लगातार, तो मुझे बताइए जल्दी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे, ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को लगाइए KCL से, सब लोग लगाएंगे KCL से, और देखिए सिंपली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, KCL से लगाइए इस क्वेश्चन को, प्लीज लगाइए KCL से इस क्वेश्चन को, सब लोग लगाइए KCL से इस क्वेश्चन को, प्लीज लगाइए KCL से, KVL से लगा दिया मैंने, KVL से लगाइए, वेरीफाई कीजिए सेम वैल्यू आ रही है, IS 1.4 या 7/5 एम्पियर सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, वेरीफाई कीजिए, तो KCL लगाइए और फिर देखिएगा कि टाइम लग रहा है ज़्यादा कि नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद तीसरे मैं टेक्निक बताऊंगा जिससे और जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, अभी तो KVL कैसे लगाया, अब एक और टेक्निक बताऊंगा जिससे ऐसे क्वेश्चन और जल्दी कैसे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास कई मेथड होते हैं एक सर्किट को सॉल्व करने के, बहुत सारे, आप आगे पढ़ते जाओगे थ्योरम्स भी पढ़ोगे तो उसमें भी वही मेथड होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम सर्किट ही सॉल्व कर रहे हैं, कई मेथड होंगे, बहुत सारे मेथड होंगे, मगर अल्टीमेटली आपको केवल एक मेथड चूज करना है तो आपको जल्दी और एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेट तो सभी देते हैं, जल्दी आंसर दें, ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो ये एडजस्ट कर पाता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड अप्लाई करना चाहिए, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक ही मतलब है कि आपको जल्दी से आंसर निकालना है, ठीक है, तो प्लीज मुझे बता रहे होंगे कि KCL से
जल्दी आया कि नहीं आया, क्या देर लगी, आप मुझे बताइए कि ये सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आप सब लोग, प्लीज 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 मुझे बताइए, अदरवाइज मैं कैसे आगे जाऊंगा ना, मैं कैसे आगे जाऊँ। ऑटो ऑटक ने मुझे साइन दिया है, ऑटो मुझे प्लीज चैट में बताइएगा कि IX सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है। आया सर, ऑटो को तो आ गया, चलिए मैं मान चल रहा हूँ ऑटो को आ गया तो सबका ही आ गया होगा, मैं मान चल रहा हूँ ऑटो को आ गया तो सबका ही आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे करें, कॉल करते हैं। ठीक है, जब हमको KCL लगाना था तो हम जिसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, और ये तो ग्राउंड वोल्टेज नोड हो गया, ये एक नोड है इससे मान लीजिए V1 वोल्टेज बोलते हैं, V1 वोल्टेज, या सिंपल एज दैट। तो ये हाइयर वोल्टेज हो जाएगा तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, V1 -10/2। ठीक है, एक करंट इसकी ये हो गई, दूसरी करंट कहाँ हो जाएगी, V1 और कितना वोल्टेज है 2Vx, तो ये कितना हो जाएगा V1 -2Ix, कितना वोल्टेज है 2Ix, इसकी वोल्टेज बोले कितनी है Ix अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि एक ही ओम रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में देखेंगे तो इसको नीचे जाना चाहिए करंट, भाई ये करंट ऊपर की हो रहा है तो इसमें नेगेटिव साइन, और कितनी करंट है 3 एम्पीयर, और ऑल दिस सम 50 0। तो हम लोगों ने KCL लगाया है एट नोड V1। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आ जाएगी, ये आ जाएगी 3V1, ठीक है IS, तो ये 4 -4 IS, ये 6 -6 16, तो कितना आ जाएगा 3V1 -4 IS = 16, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सिंपल एज दैट। अच्छा, इस वाले सर्किट को देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला, मैं इस स्पॉटलाइट देखता हूँ, ये वाले लूप पे देखते हैं, ये लूप दिख रहा होगा, इस लूप पे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर IX भी है V1 भी है तो सॉल्व करना पड़ेगा, दो दूसरी इक्वेशन कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वो आप देख रहे हो करंट कहाँ जा रही है, इस ओर जा रही है, करंट कहाँ जा रही है, इस ओर जा रही है, इस ओर जा रही है। ठीक है, करंट हमारी इस ओर जा रही है, IX करंट कितनी हो जाएगी, IX इज नथिंग बट 10 -V1/2, ये कितनी हो जाएगी 10 -V1/2 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, तो V1 यहाँ कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा 10 -2 IX, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 होगी, ज़्यादा सही रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए V1 की, तो कितना आ जाएगा 30 -6 IX -4 IX = 16, ये कितना जाएगा IX 30, सॉल्व कीजिएगा IX आपका, आई थिंक दैट IX आपका आ जाएगा 7/5। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 10, ये 13 कितना आ जाएगा 14 by 10 = 7/5, या 1.4 एम्पीयर। गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी पड़ गई तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया, वहाँ पे एक ही इक्वेशन से काम हो गया था, यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी पड़ी, जितनी इक्वेशन बनेंगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको और सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, और सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, एक तरीका और था वो हमें देख लेते हैं, इसको और सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन के लिए स्पेशली। ठीक है, देखें इसी साल आ गए, एक बार कम कर दो, KCL समय आ गया। ठीक है, चलो मैं मान चलता हूँ आपको सामने आ गया है, जिसको नहीं आया तो बीच में पूछ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो एक्चुअल में हमें पढ़ाना पड़ता है, पता नहीं होता है कि बच्चों का एक्सप्रेशन भी कैसा हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, खैर आगे चलते हैं, इसको तीसरा मेथड, थर्ड मेथड से करते हैं, थर्ड मेथड क्या कहता है,
सिंपली अब उनको करंट नहीं देखना है, ये IS करंट है, इसी पर तुरंत हम लोग यहाँ के ब्रांच करंट के हिसाब से देखते हैं। थर्ड मेथड हमारा ब्रांच करंट के हिसाब से, एक ब्रांच में कौन सी करंट है। तो इसमें देखिए इस ब्रांच में IS करंट है, इस ब्रांच में 3 एम्पीयर है, दोनों दोनों अंदर जा रही है, तो इधर कितनी जा रही होगी, बाहर क्यों जा रही होगी अकॉर्डिंग टू KCL, जो करंट अंदर की जा रही है उतनी करंट बाहर की जाती है, तो अंदर की ओर कितनी जा रही है IS और 3 एम्पीयर, तो बाहर कितनी निकल रही होगी IS प्लस 3 एम्पीयर, बस ब्रांच करंट के तौर पर आपने दे दिया। और बस यहाँ पे आपने एक लगा दिया KVL, यहाँ पे हमने KVL लगा दिया, बता देते हैं यहाँ पे हमने क्या लगा दिया KVL, ब्रांच करंट दे दी और KVL लगा दिया। तो ब्रांच करंट कब आप दोगे, ब्रांच करंट दोगे आप KCL से, ठीक है, ब्रांच करंट दोगे आप KCL से, तुरंत ही आपने ऐसे ही सर्किट में दे दिया, और ब्रांच वोल्टेज सॉरी और क्या लोगे KVL से, तो हम KCL KVL दोनों यूज कर रहे हैं, और बस इसमें ट्रबल कर जाते कितना आ जाएगा -10 प्लस 2 IX, अब सीधा चलते हैं यहाँ कितना आ जाएगा प्लस माइनस आप दे दीजिएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 1 IX+3, 1 IX+3, ठीक है, प्लस कितना वोल्टेज है प्लस साइन पहले है 2 IX प्लस 2 IX, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ प्लस 2 IX, और कितने बराबर हो जाएगा जीरो। तो देखिए इसमें कितनी एफ आई एस, एक ही इक्वेशन लेके सॉल्व हो गया, और IS कितना आ जाएगा, IS सॉल्व कीजिए 7/5 आएगा, एज सिंपल एज दैट। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे आप सर्किट में ही ब्रांच करंट दे पाओ, जैसे इस सर्किट में दो करंट पता है तीसरी अननोन थी तो हमें पता ब्रांच करंट है, तो ब्रांच करंट मेथड से भी जल्दी सॉल्व होता है। अब देखिए इसमें तो एक ही लाइन पे इसी लाइन पे सब कुछ खत्म हो गया मामला, एक ही लाइन पे हमने ये सर्किट सॉल्व कर लिया। एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम लोग चालू करने आ रहे हैं नेटवर्क थ्योरम, तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक कि आप लोग देख लो, आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अभी तक हो वो डाउट हो पूछो, जिससे मैं थ्योरम चालू करना हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख लो, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन अगर हैं तो कुछ जो भी क्वेश्चन डाउट है वो आप पूछ लीजिए, ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप अपने डाउट्स क्लियर अपनी क्या रखना, ठीक है, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, कर दूंगा, फिर सर डाउट्स पूछ लूँगा, ठीक है, तो जल्दी से अपने डाउट्स क्लियर कर लो जो भी है, फिर हम लोग नया पब्लिक कर लो तो नया नया थ्योरम, ठीक है, ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ओके आई एम बैक, कोई क्वेश्चन आया है, कुछ भी डाउट्स है तो मुझे एक बार बता दो, ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सब लोग को, ठीक है, प्लीज आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो मुझे बता दो, ठीक है।
ठीक है, अनम्यूट किया मैंने सब लोग को, ठीक है कोई क्वेश्चन तो बता दो मुझे, अनम्यूट किया है मैंने, चैट भी आया मुझे, फ्रॉम माय साइड नो प्रॉब्लम, ऑटो ने बोला है फ्रॉम माय साइड नो प्रॉब्लम, थैंक यू ऑटो, और किसी के साइड किसी को प्रॉब्लम हो तो मैंने अनम्यूट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को तुरंत तुरंत आपकी डाउट्स भी क्लियर हो, ठीक है, तो आपके पास 3-4 मिनट का टाइम है, मैंने अनम्यूट किया सब लोग को, तो आप प्लीज़ बता दीजिए कोई डाउट हो अभी तक का, या कोई सजेशन हो तो यह बना, ठीक है, या मुझे बोल दो कि सर आगे बढ़ो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, कोई डाउट है, एनीथिंग, एनी डाउट, ओके, देयर इज चैट, चैट पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मुझे बताइए, और एक फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज बताइएगा, कौन वाला फर्स्ट क्वेश्चन, जो आज का मैंने सेशन चालू किया था वो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा आपका, आपने लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज थोड़ा सर इसको जल्दी रिस्पॉन्ड दीजिए, क्योंकि मुझे क्लास फिर से चालू करना है, ठीक है 2 मिनट है, मुझे बताइए कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको पता नहीं पड़ा कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन करूँ, देखिए फिर से चैट आइए सर मुझे, आज का फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या पढ़ाया था, डिपेंडेंट सोर्स पढ़ाया था, डिपेंडेंट सोर्स का फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, मैं इसको पढ़ा देता हूँ फिर से, ठीक है, अभी मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो सबको अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, अभी उसके अलावा भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज मैं म्यूट करने आया सब लोग को, और एक ने बोला है मुझे डिपेंडेंट सोर्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डाउट है इनको, V1 इक्वल टू 60, अच्छा अच्छा आपको सुपर नोड वाला में जो डाउट था ना, और एक सुपर नोड वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें डाउट था, जहाँ विजन ली थी, ठीक है गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है मैं लगाने जा रहा हूँ, उसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं, मैं म्यूट कर लूँ सब लोग को, ठीक है, और एक ने मुझे पूछा है कि उसको मतलब बता दीजिए खुद से, तो मैं आपको बता देता हूँ, और एक ने मुझे पूछा है, उसके अलावा किसी का डाउट नहीं है ना, ठीक है चलिए मैं म्यूट करने आया हूँ सब लोग को, ठीक है चलिए, और एक ने बोला है कि सुपर नोड वाला जो क्वेश्चन था वो फिर से बता दीजिएगा, जो मैंने शुरू के टॉपिक में पढ़ाया था, तो मुझे फिर से फिगर बनाना पड़ेगा उसका, चलिए मैं फिगर बनाया था और एक के लिए, ठीक है आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिगर फिर बनाए थे जो उनको डाउट है वो क्लियर कर देती, ठीक है तो ये डाउट थी उनको, ये कितना था, एक 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक बैटरी लगाई थी 5 वोल्ट की, ठीक है यहाँ पे एक करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, और यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस था, और एक यही क्वेश्चन था, और मैंने बोला था ये V1 है ये V2 है, और एक यही क्वेश्चन था, मुझे एक बार चैट बताइएगा यही क्वेश्चन था, यस और नो, ठीक है तो मैं कॉल करूँ एक बार, प्लीज मुझे बता दीजिए यही क्वेश्चन था, ठीक है चैट आइए, यस ओके, तो मैंने बोला था V1 V2 निकालना है, ये कैसा है सुपर नोड एनालिसिस जल्दी हो जाएगा, क्यों तो सुपर नोड से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए दो नोड V1 और V2 के बीच में एक्चुअल में क्या लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया सुपर नोड वाला, तो आपको इसको कैसे लगाना है सुपर नोड से, तो नोडल एनालिसिस कर लिया, ये वाला क्या हो जाएगा ग्राउंड हो जाएगा, और ये आपका V1 V2 हो गया, नोडल एनालिसिस करना बहुत सिंपल हो जाता है, पहला तो आपको एक क्वेश्चन ले लिया आएगी V1 - V2 कितना बराबर हो जाएगा, V1 - V2 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सुपर नोड में क्या होता है दो नोड के बीच में जो वोल्टेज आया होता है इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में वो वोल्टेज के बराबर होता है, तो एक इक्वेशन तो आपको तुरंत अपनी लिखनी है, दूसरी क्वेश्चन क्या करना है सुपर नोड में जो दो नोड के
अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते तो वी वन के लिए अलग नोड लगाते हैं, वी टू के लिए अलग नोड लगाते हैं, बट यहाँ पे कूपन नोड का क्वेश्चन है तो वी वन वी टू एक साथ लगेंगे। ठीक है, तो वी वन पे जब नोड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वी वन माइनस 10/2 वी वन, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो वी वन माइनस 10/2 और दूसरा क्या लगेगा, वी वन माइनस 0/2 वी वन माइनस 0/2। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं, वी वन पे लग गया, अब वी टू भी एक साथ ले लेंगे क्योंकि वी वन वी टू सुपर नोड में है तो वी टू भी एक साथ लेते हैं। वी टू में कौन सा करंट है, वी टू माइनस 0/1 प्लस वी टू माइनस 0/1 और यहाँ पे करंट वी टू के लिए नीचे जा रहा था, ये ऊपर की जा रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए माइनस 2 और कितना करंट है 2 एम्पियर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी वन प्लस वी टू इक्वल टू 7। आई थिंक दैट और एक तो ये प्रॉब्लम आ रही था, वी वन वी टू एक साथ कैसे लगाती है, ये सुपर नोड का क्वेश्चन था ना, तो नॉर्मल नोड होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता तो हमने वी वन के लिए अलग निकालते, वी टू के लिए अलग निकालते, इतने करते और एक करंट मानते, बट यहाँ पे क्या सुपर नोड का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, वी वन वी टू को एक साथ ले लिया तो हमारे पास दो इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन हमको लिखनी पड़ेगी क्योंकि एक इक्वेशन तो हमें पहले पता है, तो यहाँ पे जल्दी काम हो गया ना, वी वन वी टू को सॉल्व करेंगे, वी वन इक्वल टू आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करोगे तो वी वन इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट और वी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी टू इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, समझ में आ गया और चलिए आगे चले, आई थिंक दैट और सोना आ गया होगा, एक बार मुझे चैट बता दो और सोना आ गया क्योंकि मैं आगे चल दूँ नहीं तो फिर फिगर इरेज कर देता हूँ, फिर फिगर बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो और एक मुझे बता दो, सोन आ गया, ओके चैट और कह रहे हैं यस समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है, तो सारे बच्चों के हम डाउट्स भी क्लियर करते चलेंगे, तो ये मत सोचिएगा डाउट्स नहीं क्लियर करेंगे सर, डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो हमारा फ्रेश टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम, जो बच्चे लेट में आए हैं या लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि हम एकदम फ्रेश टॉपिक चालू करने आ रहे हैं नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम पहले किस लिए यूज होती है, जस्ट सिंपली इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो केवीएल केसीएल सुपर नोड सुपर मेश ब्रांच करंट सारे जितने भी हमने अलग अलग मेथड बताए हैं वो सारे के सारे नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए है, तो नेटवर्क थ्योरम भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए होती है। तो कई तरह के नेटवर्क थ्योरम्स होती हैं, ठीक है, थेवेनिन होती है, नॉर्टन होती है, मैक्सिमम पावर होती है, कंपनसेशन होती है, कंपनसेशन होती है, ठीक है, सुपरपोजिशन होती है, तीनों में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क थ्योरम में सबसे पहले हमें आना चाहिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब ये क्या होता है, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आप देखेंगे अब हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए, बड़े क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हम लोग आसानी से उसे छोटे क्वेश्चन में बदल करके मुंह जवानी आंसर निकालेंगे। अभी तक आप इस क्वेश्चन भी सॉल्व करें तब इस क्वेश्चन भी सॉल्व करें मुंह जवानी आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कितनी आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमें दो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेट्स सपोज दैट एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में वोल्टेज सोर्स इन सीरीज उसके एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी सीरीज में आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको हम लोग एक आई के करंट सोर्स में और इन पैरेलल एक रेजिस्टेंस के तौर पर दिखा सकते हैं, इन पैरेलल एक रेजिस्टेंस के तौर पर दिखा सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, जैसे आप समझे नहीं समझ पा रहे हो, एक वोल्टेज सोर्स मान लीजिए आपका वी का एक वोल्टेज सोर्स है और उसके पैरेलल में आपका एक सीरीज में आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं एक करंट सोर्स आई के करंट सोर्स में और एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आर का लगा सकते हैं। समझ आ गया,
तो आप क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज हमें सर्किट गिवन था, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आई के करंट सोर्स में, इसके पैरेलल में वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट वी बाई आर, वी बाई आर इज माई आई वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा चेंज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा एक करंट सोर्स गिवन है और उसके पैरेलल में एक आर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, और उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम लोग को वही रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। तो कोई क्या कहा सर, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ उसके पैरेलल में आर रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसके करंट सोर्स को चेंज कर सकते हैं, नहीं। अगर वोल्टेज, दो कंडीशन है, एक वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, तभी हम लोग एक करंट सोर्स के तौर पर उसको चेंज कर सकते हैं, और करंट सोर्स के पैरेलल में वही रेजिस्टेंस लगाना है। या फिर कोई बोल सकता है सर ऐसा कर सकते हैं, एक करंट सोर्स लगा हुआ है उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, उसको वोल्टेज सोर्स को चेंज कर सकते हैं, नहीं। एक करंट सोर्स लगा है उसके पैरेलल में ये अगर आपका एक रेजिस्टेंस लगा है, तभी आप उसको एक वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हो, और वोल्टेज सोर्स में आपको करंट लगानी सॉरी उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो आपका करंट सोर्स में होगा, और इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, इसमें कीमत आई इंटू आर, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो जल्दी समझेंगे आपको, तो आप इसको इसको लिख लीजिए कि हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। करें क्वेश्चन, चलिए इसको इरेज करते हैं, आपको क्वेश्चंस करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा और जल्दी आ जाएगा। तो एक चैट है, चैट भी देख लेते हैं, सर कुड यू स्पीक लिटिल बिट लाउडर, ऑटो ने बोला है लाउडर बोलने के लिए, श्योर 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 आई कैन, ठीक है, श्योर आई कैन टॉक लाउडर, ठीक है। अभी आवाज आ रही है, चलिए एक बार और चैट आ गया है, चैट देखना पड़ता है मुझे, यस थैंक यू सर, ऑटो को थैंक यू ऑटो ऑल्सो। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, पहले बड़ा सर्किट ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा सर्किट बना लेते हैं, ओके। ये सर्किट मैंने बना दिया, और लेट्स सपोज दैट एक और इसके सर्किट ले लेते हैं, ये सर्किट, ठीक है, और इसमें मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है। आप लोग के लिए थोड़ा सा कि अच्छा लगे, इसलिए मैं ना अभी ऐसे बनाने लगा हूँ, ताकि आप लोग को ये लगे सर बहुत गंदी राइटिंग है, कि मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, ठीक है, राइटिंग तो बहुत खोती है, ठीक है। तो ये आपका एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का, ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, ये आपका एक करंट सोर्स लगा हुआ है 10 एम्पियर का, ठीक है। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिगर में भर जाता है, तो यूनिट आप लोग लिख के चलिएगा, ये 10 एम्पियर है समथिंग, ये तो फिगर में ना बहुत आपका क्या कहते हैं कुछ कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस 2 ओम लिख लीजिएगा, ठीक है, नेट समझ जाइएगा, ये 2 का मतलब 2 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 ओम है, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा हुआ है बेसिकली 2 एम्पियर का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे एक IX करंट है, इस ब्रांच में इन्होंने दे रखा है एक IX करंट है, ठीक है, इस ब्रांच में इन्होंने एक IX करंट दिया है, तो पूछा है IX कितनी होगी, IX कितना होगा पूछा गया है, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सब लोग लगाइए KVL से पहले, इस क्वेश्चन को सब लोग लगाइए KVL से, सबसे पहले KVL से लगाओ, ठीक है, KVL से लगाओ सबसे पहले, सब लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, IX पूछा गया, फिर मैं इसको क्वेश्चन को KVL से लगवाऊंगा, तो जब दोनों क्वेश्चन टेबल जैसे लग जाएंगे, तो उसके बाद मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से लगाऊंगा और देखेंगे यार ये सर ये तो बहुत सिंपल काम है, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप लगाइए इसको KVL से और मुझे IX बताइए, सब लोग लगाएंगे, ऐसे तो मेरा टॉपिक नहीं था लगवाना, बट क्योंकि KVL की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ KVL से लगाइए, KCL से लगाइए और मुझे बताइए IX की वैल्यू क्या होगी। तो KVL से लगाइए सबसे पहले, कम से कम KVL से लगा दीजिए, KCL से नहीं करवाऊंगा, ठीक है, KVL से ही लगा दीजिए और मुझे IX की वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, KVL से लगा दीजिए फिर मुझे IX की वैल्यू बता दीजिए,
जस्ट 2 मिनट है, दो नहीं उसमें टाइम लगेगा, 3 मिनट है आपको, 3 से 4 मिनट पर केबल से लगाइए, ठीक है। कब ना लगाइए केबल से, क्यों लगवा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि केबीएल केसीएल ये जितने भी टेक्निक होती है ये जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओ तब तक नहीं लग पाएगा। फिर इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से दिखाऊंगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो हमें आप देखेंगे कि आप एक भी इक्वेशन नहीं लिखोगे, जस्ट अगर आपका विजुलाइजेशन अच्छा है तो आप देखोगे अरे ये तो बहुत जल्दी से लग जाता है, ये तो बहुत आसानी से लग गया सर, तो वेरी इजी थी। आप लोग लगाइए केबीएल केसीएल को, सब लोग लगाइए, प्लीज लगाइए, सब लोग लगाइए, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन, एवरी वन हियर, इसको समझ आ जाए। हर एक आदमी को मैं बता पूछ जाता हूँ, सब लोग को आ गया कि नहीं आ गया इसे बता दीजिएगा, प्लीज बताइए, ठीक है। केबीएल से कितना आया आईएस, ठीक है, मुझे बताइए आईएस कितना आया केबीएल से, एवरी वन प्लीज केबीएल से लगाइए, आई एस बताइए, केबीएल से लगा लो, ब्रांच करंट से लगा लो, ब्रांच करंट जल्दी निकल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो मुझे आंसर चाहिए, आंसर प्लीज बताइए, आंसर सकते ओके। ठीक है, लग गया किसी का, एटलीस्ट मुझे कमेंट पे लिख दो, हाँ सर कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, ऐसे कर कमेंट कर दो, मुझे पता नहीं कितने लोग लिख, अरे सब लोग जो जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो कम से कम ये कमेंट लिखते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, अरे मुझे पता लग जाए कि और सब लोग सो नहीं रहे, प्लीज मुझे ये लिख दो, एटलीस्ट नहीं आंसर लिख दो, ये लिख दो कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग, बस इतना लिख दो, मुझे ये तो पता लग जाए कि और लोग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब लोग लिखिए जो जो कर रहे हैं वो लिखिए, ओके ऑटो ने लिखा है कर रहा हूँ, थैंक यू ऑटो, एटलीस्ट और दूसरे बच्चे भी लिखते, मुझे पता था कौन बच्चे एक्टिव पार्ट हो रहा है, ट्राइंग, नीलम इज ट्राइंग, गुड, और बच्चे क्या सो रहे हैं क्या, सब लोग को लिखना चाहिए ना, है ना कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करना है चाहिए, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है, तो केवल मैंने बहुत पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क दिया है, जितने जितना कर लिया है वही रोक दीजिएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा फिर, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा सेशन, तो हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, क्लास होमवर्क है, नहीं आएगा तो हम कल करवा देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। होमवर्क के लिए आप लोग इसको लिख सकते हैं, इनका नहीं आया है अजोम जी ने, थैंक यू फाइन, ठीक है। तो अभी ये रोक देते हैं, जो भी है वो आप रूम पे जाकर के सॉल्व कीजिएगा, कल मुझे बताइएगा आंसर क्या है, क्लियर है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें एक चीज जानना पड़ेगा, जब भी वोल्टेज सोर्स इन सीरीज होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। ऐड कैसे होते हैं ये हम देखते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स ऐसे गिवन है, एक V1 सोर्स है और दूसरा V1 सोर्स है, V2 सोर्स, ठीक है, तो ये कैसा है, इन सीरीज है, तो थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा वोल्टेज है, इन सीरीज, V1 V2 कैसे है, सीरीज में, तो सीरीज में हमेशा वोल्टेज सोर्स जुड़ेंगे या घटेंगे, पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सोर्स सेम हो जाते हैं, तो अगर कोई वोल्टेज सोर्स V1 है और V2 है और पैरेलल में है तो याद रखिएगा, अगर वो पैरेलल में है तो V1 V2 को बराबर होना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो KVL और KCL नहीं लग पाएगा, वो सर्किट ही इनवैलिड है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर पैरेलल में कोई बात करता भी है कि सर V1 V2 नहीं बराबर है तो क्या करेंगे, V1 V2 अलग अलग है
तो सर्किट खराब है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, या क्वेश्चन इज इनवैलिड। तो जब भी पैरेलल में होंगे V1 V2 तो उनको बराबर ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाला केस था, जब सीरीज में होते हैं तो याद रखिएगा पोलरिटी कैसी बंद होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इस तरीके से हो कि माइनस के साथ प्लस लगाओ, एक तीसरा भी लगा होगा, तो मान लीजिए V3 है तो प्लस माइनस, तो इसके माइनस के इसका प्लस लगा हुआ है, मीन प्लस माइनस ऐसे चल रहे हैं, तो वो ऑलवेज ऐड होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। लेट सपोज दैट V2 की पोलरिटी हम चेंज कर देते हैं, लेट सपोज दैट V2 की पोलरिटी हम चेंज कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, तो V2 हमारा कैसा हो जाता, अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, V2 हमारा क्या, ये प्लस है ये माइनस है, V2 हमारा क्या हो जाएगा था प्लस, ओके कलर ले लेते हैं, ठीक है, V2 हमारा क्या होता है प्लस माइनस। तो अब आपके लिए क्या हो जाता, अब आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती, तब हमारा क्या होता है V1 और V3 सेम पोलरिटी है, प्लस माइनस के टर्म्स में है, तो V1 V3 पॉजिटिव हो जाएंगे, V2 क्यों है माइनस प्लस के टर्म्स में, तो V2 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, V2 की जगह लिख देंगे माइनस, ठीक, समझ में आ गया। अगर हमारा V3 की पोलरिटी चेंज हो जाती, V3 हमारा उल्टा हो जाता, लेट सपोज दैट V3 भी हमारा उल्टा हो जाता, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं तो माइनस प्लस, तो देखिए V1 प्लस माइनस है तो प्लस रहेगा, ठीक है, V2 माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, V3 भी आपका माइनस प्लस है तो V3 भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है तो हमारा पॉजिटिव, माइनस प्लस है तो निगेटिव, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, सीरीज में वोल्टेज को इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अगर सीरीज में दो करंट सोर्स है, मान लीजिए एक करंट सोर्स है I1, एक करंट सोर्स है I2, लेट्स सपोज द तीसरा करंट सोर्स भी है I3, तो I1 = I2 = I3 होना ही पड़ेगा। अगर I1 I2 I3 या दो लगे हैं, I1 I2 लगा हुआ है, या कितने भी लगे हैं सीरीज में करंट सोर्स, उन सबको इक्वल ही होना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो समझ जाइएगा सर्किट इनवैलिड है, सर्किट इनवैलिड है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ना तो केवीएल लगेगा, ना केसीएल लगेगा, ना इलेक्ट्रिकल सर्किट की कोई थ्योरम भी लगेगी, वो सर्किट ही इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो आपका सीरीज में कोई डाउट ही होना चाहिए कि सीरीज में करंट सोर्स लगे हैं तो उनको सबको इक्वल ही होना पड़ेगा, बट जब पैरेलल में करंट सोर्स लगे हैं, लेट सपोज दैट ये करंट सोर्स I1 है, ये करंट सोर्स है I2, दो करंट सोर्स ले लेते हैं, ठीक है, जब पैरेलल में लगे हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, I1 और I2 सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐड होगा क्या बन जाएंगे, I1 + I2, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं करंट सोर्स से I1 + I2 को, ठीक है, I1 + I2 को। अगर लेट सपोज दैट आपका ये हो जाता, इसकी डायरेक्शन नीचे हो जाती, तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा क्या हो जाएगा, I1 - I2 होगा या I2 - I1 होगा, तो याद रखिएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर I1 ज्यादा है तो आपका आंसर आ जाएगा I1 - I2, अगर I2 ज्यादा है तो आंसर क्या जाएगा I2 - I2। लेट्स सपोज दैट I1 > I2, लेट्स सपोज दैट I1 > I2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 - I2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I1 डायरेक्शन। अगर हमारा हो जाता I2 बड़ा हो जाता I1 से, तो हमारा करंट सोर्स कैसा हो जाता, डायरेक्शन I2 डायरेक्शन में, और कितना हो जाता I2 - I2, ठीक है। तो ये बेसिक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, अगर वोल्टेज सीरीज में कहीं लगे हुए हैं तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, और करंट पैरेलल लगे हुए तो ऐड कैसे होंगे सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, गेटिंग माय पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ आ गया, तो इरेज कर रहा हूँ, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, और केवीएल को लगा लीजिएगा होमवर्क है।
डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से देखिएगा, जो केवीएल से आपका इतना देर देर लग रहा है सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि बड़े जितने सर्किट होते जाएंगे केवीएल केसीएल लगाना उतना ही टफ होता जाएगा। याद रखिए, छोटे सर्किट में हमेशा केवीएल केसीएल लगाया करिए, बड़े सर्किट में केवीएल केसीएल नहीं लगाना। तो आपका जैसे ये दिख रहा है, इस सोर्स में देखिए एक 10 एम्पीयर का एक करंट सोर्स है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। कितना एम्पीयर का, सॉरी 2 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ, एक छोटा सर्किट लिया हमने, ये सर्किट देख रहे होंगे, ये सर्किट यहाँ पे लिख लिया। तो ये कैसा सर्किट है, ये एक्चुअली एक करंट सोर्स है, इन पैरेलल के एक रेजिस्टेंस है। तो उस करंट सोर्स को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस सेम होगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और उस वोल्टेज पहले कितनी हो जाएगी, आई बाई आर। आई यहाँ पे 10 है, आर कितना है 2, तो 10 बाई 2 या हम लोग बोल सकते हैं कितना वोल्टेज हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मुझे बता दीजिएगा कर सकते हैं ना, हम लोग जस्ट को से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ओके थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको पहले बना लेते हैं, ज़्यादा ही कुछ रिप्लेस हो गया और बहुत गंदा बनेगा अब तो, ठीक है। कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक है, फिर से बना लेता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा गंदा बन गया, ठीक है, और क्या बना था, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग के लिए फिजिबिलिटी के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो 10 एम्पीयर लिखा था कि 1 एम्पीयर लिखा था, देखिए क्वेश्चन है 10 एम्पीयर है कि 1 एम्पीयर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, 10 एम्पीयर ले लीजिए, क्या एक काम कीजिए इसको 1 एम्पीयर कर दीजिए, ठीक है, और आसान हो जाएगा, थोड़ा वैल्यू आसान ले दो 1 एम्पीयर, ये कितना हो जाएगा 1/2। उस क्वेश्चन में 10 एम्पीयर है 1 एम्पीयर लिख लीजिएगा, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 0.5 वोल्ट। या आप 10 एम्पीयर भी ले सकते हो या 1 एम्पीयर भी ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, ठीक है, सब ठीक है। सॉरी, तो वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज कितना बराबर होता है, हाँ, चैट आ गई बेटा, मैंने गलती कर दी, एक बच्चे ने बोल दिया 2 वोल्ट होगा, गुड, एक बच्चे ने बोल दिया, मैंने क्या लगा दिया, मैंने आई बाई आर बोल दिया, नहीं, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो एम्पियर इंटू करेंट। थैंक यू, किसने चैट भेजी थी, एक बच्चे ने मुझे करेक्ट कर दिया, अच्छी बात है कि तुम लोग देख रहे हो, बोमियान ने करेक्ट कर दिया, यहाँ कितना वोल्टेज हो जाएगा 2 वोल्ट, बोमियान ने मुझे करेक्ट कर दिया, मतलब बोमियान ने मुझे करेक्ट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट रिप्लेस 2 वोल्ट और 2 वोल्ट और 2 ओम। तो देखिए यहाँ पे बैटरी कैसी है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये दूसरे में डिफरेंस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2। देखिए ये कैसी बैटरी है, एक ऐसी बैटरी लगी हुई है, दूसरी बैटरी हमारी ऐसी लगी हुई है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ये कैसी बैटरी हो जाएगी, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस होता है या प्लस माइनस होता तो ऐड होता है, क्योंकि ये माइनस प्लस और प्लस माइनस है, तो ये कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 माइनस 2, तो यह कितना जाएगा 8, यह कितना हो जाएगा V1 माइनस V2, मीन्स 10 माइनस 2, 8 वोल्ट होगा, तो 8 वोल्ट की बैटरी होगी, और पोलरिटी क्या होगी, जो हायर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज 10 वोल्ट है, उसकी पोलरिटी ऐसी है, तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी 8 वोल्ट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम, 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम, जस्ट 10 वोल्ट, 2 वोल्ट कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम। तो देखो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, देखते हुए रहिएगा, इसको जस्ट मैंने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, देखते रहिएगा, सब लोग देखते रहिएगा, ओके, सॉरी, तो ये कितना बैटरी हमने बोला
हमने बोला ये बैटरी हो जाएगी 8 वोल्ट माइनस प्लस, जो 10 वोल्ट की बैटरी थी वो 8 वोल्ट की बैटरी होगी, सेम पोलैरिटी जो 10 वोल्ट की, जो कि हायर वोल्टेज 10 था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम। समझ में आया? एक बड़े सर्किट को हमने क्या किया, एक छोटा सर्किट बना दिया। जस्ट ये तो मैं कॉपी में कर रहा हूँ, बार बार आपको मिटा रहा हूँ, आपको अलग सर्किट देखिए जो मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे मिटा दोगे, वहाँ पे अपने पेन और कॉपी में इसको अलग सर्किट बना के दिखाओगे। मेरे पास क्योंकि डिजिटल पेन है तो इरेज करके बोर्ड पे हम लोग काम कर दे रहे हैं, आपके पास डिजिटल पेन नहीं, आपके पास पेन कॉपी है तो उसको अलग फिगर में दिखाओगे। बट जब आप सॉल्व करना शुरू कर देते क्वेश्चन तो अपने माइंड में ही ये कर लोगे, सर 10 वोल्ट की बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी दोनों अपोजिट लगे हो तो 8 वोल्ट की हो जाएगी, और 2 ओम कितना हो जाएगा 4 ओम, तो इस तरीके से सर्किट हो जाएगा। जैसे अपने माइंड में कर लोगे तो ये सर्किट जो बड़ा सर्किट लगा हुआ था उस सर्किट को हमने छोटा कर दिया। यहाँ तक किसी डाउट है? डाउट है, डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे ये भी लगा हुआ था, वो तो थैंक यू, तो ये भी लगा हुआ था, ठीक है आपसे क्वेश्चन। खैर आगे बढ़े, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, चलिए फिर से मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया था, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है फिर से बनाना पड़ जाएगा मुझे, मजबूरी पड़ गई, मैंने क्वेश्चन गलती से मिटा दिया, कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है। चलो मैं फिर से देख लेता हूँ कहाँ तक मैंने किया था, मैंने यहाँ तक किया था कि ये आपकी 8 वोल्ट की बैटरी हो गई थी माइनस प्लस, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया था, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया था, यहाँ पे IX चाहिए था हमें, ये आपका अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये आपका 2 एम्पियर की बैटरी थी, सॉरी करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता 4 ओम का। आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, तो डाउट अब हमको IX निकालना है। तो क्या हम लोग ये वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ 8 वोल्ट और सीरीज में, सॉरी ओके ठीक है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4, तो ये एक वोल्टेज सोर्स है सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो इसको हम लोग करंट सोर्स के तौर पे दिखा सकते हैं, एक करंट सोर्स वही डायरेक्शन लेंगे जो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी, तो सेम ही डायरेक्शन लिया है, ऊपर की ओर करंट जा रही तो ऊपर की ओर लिया है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस सेम होगा, इससे हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, और करंट वैल्यू कितनी जाएगी V बाई आर मतलब कि 8/4 मीन्स 2 एम्पियर, तो करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी V/R 8/4 दैट 2 एम्पियर, एज सिंपल एज दैट, इसी डायरेक्शन में। तो इतने पोर्शन को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इतने पोर्शन को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स था और ये हमारे पास ये था, तो इसको हम लोग जस्ट रिप्लेस कर दिया, कर दे रिप्लेस, तो देखो कितनी आसानी से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, फिर से मुझे बनाना ही पड़ जाएगा, ठीक है तो मैं इसको बना ही लेता हूँ, ठीक है गुड ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक अलग कलर यूज कर सकता हूँ, 2 एम्पियर का करंट सोर्स और एक 4 ओम का पैरेलल में रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ये फिगर बना लीजिएगा, देखिए आप फिगर पे हम पूरा सॉल्व कर देंगे सर्किट, देखिए 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन में जा रही है, 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन में जा रही है, 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन, तो इसको रिप्लेस करते हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन जुड़ जाएंगे, 2 2 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर है ना, ये कितना हो जाएगा, यहाँ बना दूँ अलग फिगर बनाया था फिगर कि आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, अलग फिगर बना देता हूँ, ठीक है एक डबल लेता हूँ, ठीक है ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है, और ये देखिए 4 ओम पैरेलल में हो जाते हैं, तो
जस्ट हाफ हो जाते हैं। जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या रहता है, हाफ, कितना रहता है 2 एम्पियर, 2 ओम, और क्या बचेगा 3 ओम, और क्या बचेगा 3 ओम। तो यहाँ पे हमें करंट IX निकालनी है, IX निकालनी है, 4 एम्पियर करंट आ गई, तो ये हम लोग यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है, 2 ओम है, 3 ओम है, तो IX निकालना क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल IX क्या होता है, अगर I चाहिए तो दूसरे का रेजिस्टेंस अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, तो कितना आ जाएगा ये 8 बाई 5 एम्पियर। तो जो मैं फिगर अलग अब बना रहा था, एक्चुअल में ये आप माइंड में बना के चले जाओगे जब आप सॉल्व करोगे, तो एक बड़ा फिगर जो मैंने क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, उस क्वेश्चन को मैं चेंज करके इस क्वेश्चन में तब्दील कर दिया। उस क्वेश्चन एक भी इक्वेशन नहीं लिखी तब से, केवल और केवल फिगर चेंज करता रहा, और उस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया, उस फिगर जो बड़े फिगर को चेंज कर दिया इस फिगर में, और इसमें अब जा करके यहाँ पे एक इक्वेशन लगाइए करंट डिविजन। तो ये देखिए कितनी पावरफुल टेक्निक है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे KVL KCL लगाओगे आप करने में बैठे होगे, इतना आसानी से नहीं हुआ होगा, बहुत टाइम लगेगा, करके भी देख लीजिएगा अच्छा खासा आधा से मतलब हाफ पेज या आपका 3x4 पेज भर जाएगा कॉपी का, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत गलती, जितना क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा उसकी गलती होने के चांसेस जल्दी होते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लस माइनस माइनस प्लस कर दोगे, इतनी मेहनत करके आओगे और आंसर गलत आ जाएगा। और याद रखिएगा ऑप्शन में वो ऐसे आंसर जरूर रखेंगे जो आपने निकाला होगा और वो भी गलत, ठीक है, तो वो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखते हैं, वो खुद गलती करके एक आंसर निकालते हैं, वो वही गलती करते हैं जो नॉर्मली आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो अरे सर मेरा आंसर तो आ गया, ऑप्शन में था, मैंने चिट कर दिया, फिर भी गलत, क्योंकि वो गलत ऑप्शन ही रखा था उन्होंने, तो याद रखिएगा। तो थोड़ा सा अच्छी टेक्निक लगी है ना, समझ में आया कि नहीं, अच्छी टेक्निक लगी, और डॉक्टर का अच्छी टेक्निक लगी सर, चलो अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, अब की बार डायरेक्ट करके देखते कितना बच्चों का माइंड जल्दी से समझ गया है इस बात को, डायरेक्ट करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट करना है, अब डायरेक्ट अपने माइंड में मेकअप करके चलना, अरे सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे। एक चैट भी आई देख लेते हैं, गुड बट विथ कंफ्यूजिंग, एक काम करते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, लोग को कंफ्यूज हो गए, विथ कंफ्यूजिंग इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर देते हैं, देखिए कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, अभी मैं इसको ना अलग अलग फिगर बना के शो करूंगा तो आपको जल्दी समझेगा। अब फिर से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो बच्चों कंफ्यूजन हो गई तो फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है, विथ कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए था, बट चलो कंफ्यूजिंग हो गया तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो किसी को क्या टेंशन है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, इतनी गारंटी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, तो इससे कंफ्यूजन उनको दूर करना है, तो मैं फिर से क्वेश्चन बनाता हूँ, ये समझना जरूरी है, ठीक है, तो जिनको समझने आ गया वो अच्छी बात है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, एक 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया था, ये आपने एक करंट सोर्स लगाया था 1 एम्पियर का, और यहाँ पे आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था, और ये आपने 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था, एक IX करंट लिया था निकालना था मुझे, और यहाँ पे करंट सोर्स लिया था 2 एम्पियर का, और यहाँ आपने 4 ओम का लिया था, IX निकालना था, IX निकालना था, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जस्ट ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, अब मैं ना इसको क्या करता हूँ एक एक करके फिर से फिगर बना बना के आपको दिखाता हूँ, तब आपको जल्दी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक करंट सोर्स
पैरेलल में रेजिस्टेंस उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, एक बैटरी, बैटरी कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर मतलब 1:2 मीन्स 2 वोल्ट की बैटरी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन जिसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी अगर प्लस माइनस है तो इसकी डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। तो ये कितनी वोल्ट बैटरी जाएगी, 2 वोल्ट की, और रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है, 2 ओम का रजिस्टेंस, और ये आपका लगा हुआ था 3 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका करंट सोर्स था 2 एम्पियर का, ठीक है, और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है, नो डाउट, एनी डाउट, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने इसको चेंज किया था, हमने कहा था कि 10 वोल्ट और 2 वोल्ट दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 वोल्ट, ठीक है, 8 वोल्ट हो जाएगा, तो ये कितनी बैटरी हो जाएगी, 8 वोल्ट, और पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जो हाइयर वोल्टेज, हाइयर वोल्टेज 10 वोल्ट था, हाइयर वोल्टेज की पोलैरिटी हो जाएगी 8 वोल्ट, और 2 ओम, 2 ओम सीरीज में थे कितना हो जाएगा, 4 ओम, 4 ओम है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 ओम, ठीक है, ये कितने बराबर हो जाएगा, ये आपका है 2 एम्पियर, और ये कितने बराबर हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है। फिर मैंने कहा, फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा कि सर ये 8 वोल्ट और 4 एम्पियर, 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस है, जो करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं, हाँ सर चेंज कर सकते हैं, तो पहले चेंज कर देते हैं इसको, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो मैं चेंज कर देता हूँ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में, ठीक है, देखते रहिएगा सही में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ये सही से बनता नहीं है, मेरे से हमेशा ऊन जरूरी बनता है, ठीक है, चलो, तो ये कितना है, ये आपका है 3 ओम, ये आपका एक बैटरी है 2 एम्पियर की, और ये आपका 4 ओम है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने चेंज किया है 8 वोल्ट 4 ओम के रेजिस्टेंस को करंट सोर्स चेंज करेंगे तो करंट कितनी आ जाएगी, करंट इज नथिंग बट V बाई आर, 8/4 में कितना करंट आ जाएगा, 2 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम जो ये डायरेक्शन की होती करंट, वही सेम डायरेक्शन 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक हो गया, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, जैसा मैंने चेंज किया है दोबारा वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो ऑफ कंफ्यूजन होना चाहिए। अब इरेज करूँ तो यहाँ तक हमने फिगर को सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहाँ तक फिगर को सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहाँ तक फिगर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, और ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है, का करंट, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जब जोड़ रहा होगा तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी, जब घट रहा होगा तो देखना पड़ता है कि मैक्स ज़्यादा कौन है, ज़्यादा करंट किसकी थी, तो वो डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर की साइड डायरेक्शन है, तो साइड डायरेक्शन ऊपर की हो गई, 4 ओम 4 ओम, और आई एक्स यहाँ निकलना था तो इसे 3 ओम को अभी नहीं छेड़ेंगे, 4 ओम 4 ओम इन पैरेलल है तो हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 ओम 2 ओम और 3 ओम, ठीक है, 3 ओम। तो हमको यहीं पे करंट निकालनी थी, तो ये मेरा लास्ट हो गया, और आप देख रहे होंगे अब तक हमने क्या किया, दिमाग में, अगर हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तो हम दिमाग में ही इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन में करेंगे, कोई कंफ्यूजन, इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन में बस बदल दिया, ओके, सिंपल किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन था, इसको छोटे क्वेश्चन में बदल दिया, ये बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अगर अच्छा स्टूडेंट होगा जो बहुत एक्सपर्ट हो चुका होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो इसको बिना पेन उठाए जस्ट इसको इसमें तब्दील कर लेगा माइंड में ही, और वो तभी कर पाओगे जब आपका विजुलाइजेशन बहुत अच्छा होगा, फिर बहुत क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, एक्चुअल में ये क्वेश्चन डायरेक्टली माइंड में ही हो जाती है, तो आप जब पेन उठाओगे तो ये सर्किट चीज़ें बनेगा आपकी कॉपी में, और इसको कॉल कर लोगे, आईएस कितना हो जाएगा,
करंट डिविजन रूल से टोटल करंट है आपकी 4 एम्पियर, और 3 ओम का निकालना है तो अपोजिट वन रेजिस्टेंस लेते हैं, अपोजिट 2 है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3, तो कितना हो जाता है 8/5 एम्पियर। आप बताओ कंफ्यूजन कहाँ थी, अब क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बता दो कितने लिखा था, किस बच्चे ने लिखा था, मुझे कि लिटिल बिट कंफ्यूजन किस बच्चे ने लिखा था। अजोम ने लिखा था, अजोम समझ में आ गया आपको, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्यों आ रही थी मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन इसलिए आ रही थी क्योंकि मैं ये डायरेक्टली इसी में पेपर में सॉल्व कर रहा था, अलग से फिगर नहीं बना रहा था, तो कंफ्यूज हो रहे थे। है मैं कहता हूँ ये टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि अगर आपने इस पर कमांड कर ली तो आपको बड़े बड़े सर्किट को छोटे छोटे सर्किट में आप तब्दील करना शुरू कर दोगे, और 2 मिनट नहीं बहुत ज़्यादा टाइम बन गया, 10 से 12 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन। यस 2 वोल्ट वॉल्ट कंफ्यूज, ओके 2 वोल्ट कंफ्यूजन का कोई बात नहीं, अभी तो मैं आ गया ना, वो एक्चुअल में क्या था, 1 एम्पियर का करंट सोर्स था, पहले 2 एम्पियर का सॉरी 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो करंट सोर्स इन पैरेलल तो उसको चेंज कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स इन सीरीज, ठीक है। तो अभी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बट ये अगर सिचुएशन क्लियर है तो मान चलो कि आप ये क्वेश्चन जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन बोला जाता है, और ये ही नहीं क्वेश्चन आता है जो कि आते ही आता है, तो आपका वो जे के जो बनाने वाले हैं वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन आप 4 से 5 मिनट्स में कर रहे हो, बट आपने इस क्वेश्चन को इतना छोटा क्वेश्चन पिक्चर से बना दिया। ये क्वेश्चन तो जेई वालों ने दिया था, ये क्वेश्चन आपने उसको अपने आप बना दिया, आपने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बस बदल दिया, तो देखिए कितना आसानी से होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, अब की अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज करेंगे तो ये 1 ओम है, ये आपका गिवन है 2 एम्पियर, ये आपका गिवन है 2 ओम, ये आपका गिवन है 3 ओम, ठीक है। ये एक वोल्टेज सोर्स गिवन है आपको 10 वोल्ट, और एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको सर्किट गिवन है और आपसे पूछा गया आई एक्स पूछा गया। अब आप 2-3 तरीके हैं 4 तरीके हैं, ये तो वैसे क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सुपर नोड का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सुपर नोड से बच्चा लगा रहे हैं, सुपर नोड से लगा लीजिए क्योंकि दो मेश के बीच, सॉरी सुपर नोड नहीं सुपर मेश का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है, सुपर मेश का क्वेश्चन है, सुपर मेश, तो सुपर मेश लगा सकते हैं क्योंकि दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स आ गया, उसे लगा लीजिए, या फिर मैं कहूँगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, KVL लगा सकते हैं, KCL लगा सकते हैं, सुपर मेश से लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग यूज कीजिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए, करिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे ISQL बताइए जरा, दोनों टेक्निक से कीजिए, एक सुपर मेश से भी कीजिए और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कीजिए, और देखिए सुपर मेश से क्या सिंपल होता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल होता है, बताइए मुझे करके बताइए, क्योंकि आप करके बताओगे तभी आप समझ पाओगे, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो आप सब लोग बताइए मुझे कैसे बताइए प्लीज, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से पहले तो सुपर मेश से कीजिए, सब लोग सुपर मेश से कीजिए, और फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। मैं तो मुंह के बोल बता सकता हूँ, और कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो मुंह के बोल नहीं बता सकता है करेक्टली। हिंट में दे देता हूँ, सोर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो हिंट में दे देता हूँ, अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं तो हिंट सुन लीजिए, हिंट ये है कि 10 वोल्ट और 1 ओम ये वोल्टेज इन सीरीज रेजिस्टेंस है, उसको चेंज करेंगे करंट सोर्स पहले यहाँ से 10 एम्पियर आ जाएगा और 1 ओम पैरेलल चला जाएगा, 10 एम्पियर और 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन में तो 12 एम्पियर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा है, और करंट डिवीजन लगा लीजिएगा, किसी ने आंसर भी निकाल दिया, आंसर 2 एम्पियर ओटोक ने करा, वेरी गुड ओटोक, इतनी जल्दी ओटोक ने लगाया तो मतलब कि सुपर इन्होंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाया है, अगर इतनी जल्दी निकाल पा रहा हो तो गारंटी है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हो,
जो नहीं लगा पाया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था सुपर मेष से भी लगाइएगा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो 10 वोल्ट एंड 1 ओम को आप सोर्स ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसी में कर दे रहा हूँ 10 वोल्ट एंड 1 ओम कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट एंड 1 ओम, ठीक है 10 वोल्ट एंड 1 ओम एक करंट सोर्स हो जाएगा, एक करंट सोर्स हो जाएगा, ये गड़बड़ में लगाता हूँ, ठीक है एक करंट सोर्स हो जाएगा और इन पैरेलल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन पैरेलल एक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा 1 ओम का, और करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा वी बाई आई, तो वी था आपका 10 वोल्ट, आर था आपका 1, तो 10 बाई 1 मतलब करंट कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर दोनों का सेम आ गया। कोई चैट आई, चैट देख लेते हैं, चैट देख लेते हैं। यस सर, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, और तो बोला हाँ सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, थैंक यू, तो जल्दी हो गया होगा। तो देखिए 10 एम्पियर 10 एम्पियर 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 की जगह 12 हो जाएगा, तो 10 की जगह कितना हो जाएगा, जस्ट 12 हो जाएगा, ठीक है 10 की जगह क्या हो जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे करंट निकाल लेंगे इस ब्रांच में, तो करंट डिवीजन लगा लेंगे, तो करंट डिवीजन लगाएंगे IS कितना हो जाएगा, IS इज नथिंग बट टोटल करंट 12 एम्पियर इनटू इस ब्रांच में निकालना है करंट, तो अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 12/6 मीन्स 2 एम्पियर, 12/6 मीन्स 2 एम्पियर, गेटिंग माई पॉइंट। तो एक्चुअल में जो बड़ा सर्किट था उसको आपको केवल और केवल इस सर्किट पे तब्दील करना था, माइंड में कर लेते, तो ये इस तरीके से आप जब पेपर कॉपी में लिखोगे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, उसको पेपर कॉपी में लिखोगे तो डायरेक्टली आप ये आप सॉल्यूशन लिखो और सिंपली करंट डिविजन रूल लगाओ और सिंपली IS कर देगा। सुपर मेश लगाओगे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे, बेटा उससे छोटे में काम नहीं चलेगा। और ये तो छोटा एग्जाम्पल सुपर मेश लग भी जा रहा है, जब बड़ा एग्जाम्पल होता ना तो अभी केबल केशन लगाते लग जाते और 8-9 मिनट चला भी जाता, और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतने गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको केबल केशन नहीं आना चाहिए, जरूर आपकी विश हो तो जरूर लगाइए केबल केशन, नो डाउट, मगर मेरा सजेशन है एज ए टीचर, एज ए एक्सपीरियंस टीचर, मैंने देखा है जितना बड़ा क्वेश्चन लगता चला जाता है केबल केशन का, जितना बड़ा सर्किट होगा उतना केबल केशन इतनी इक्वेशन बनेगी भैया, जितना जितने नोड होंगे उतनी केसीएल की इक्वेशन बनेगी, और जितनी मेश होंगी, जैसे आपको 3 नोड हुए तो 3 इक्वेशन बढ़ जाएंगी, 4 नोड हुए तो 4 इक्वेशन हो जाएंगे, जितने आपके नोड बढ़ते जा रहे हैं उतनी इक्वेशन और उतनी गलती होने चलते जाएंगे। 4 वेरिएबल सॉल्व करोगे, 4 इक्वेशन सॉल्व करोगे और कैलकुलेशन और टफ होते चली जाएगी और गलती होने चांसेस भी बढ़ते चलेगी। आपके केस में 3 नोड से ऊपर कभी नहीं पूछते, ठीक है, मैं 3 नोड वाले भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन से जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक हो जाती है सुपर मेश पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी सिंपल टेक्निक। कौन आया, बस माइंड में ही आपको करना है। एक और क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थैंक यू, एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ओके मुझे लगता है जुकाम हो गया, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा आप लोग के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा डराते हैं आप लोग को, डराएंगे नहीं दबा करो, बस थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है, पहले बात को तो बच्चे डर जाते हैं, तो क्वेश्चन अगर आया था जेई में, तो ये एक वोल्टेज दिया गया था 20 वोल्ट, ठीक है एक रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, एक रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, ठीक है एक करंट सोर्स लगाया है 2 एम्पियर का, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 1 ओम, और एक डायोड लगा दिया, डायोड और यहाँ पे करंट पूछा गया आई, मान लीजिए ID करंट बोल दिया गया इसको, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है आई डी पूछा गया है। अभी सर्किट में डायोड लगा दिया गया, डायोड क्या होता है थोड़ा बहुत बताता हूँ मैं डायोड के बारे में। डायोड में ये साइड होती है N साइड, दिस इज P साइड, ठीक है तो याद रखिएगा, अगर ये वोल्टेज V1 है, ये वोल्टेज V2 है,
जब V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तो डायोड आपका शॉर्ट सर्किट, डी मीन डायोड आपका शॉर्ट सर्किट होगा, मीन डायोड कैसा हो जाएगा इस तरीके से काम करेगा। और याद रखिएगा V1 इज लेस देन V2 तो डायोड आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जब भी डायोड का आप केस लोगे तो हमेशा लोगे आइडियल डायोड इलेक्ट्रिकल केस में। अगर यहाँ ईसी का कोई इंसिडेंट होता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तो वो क्रिटिकल डायोड भी लेता, बट आप इलेक्ट्रिकल के हो जेई लेवल पे है तो आइडियली पूछेंगे उससे का क्वेश्चन। और ये जो जेई लेवल का है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब बच्चे करते हैं तो एकदम पगला जाते हैं, टीचर्स भी पगला जाते हैं, मगर मैं दिखाऊंगा कितनी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले डिसाइड कीजिए डायोड आपका फॉरवर्ड बायस सॉरी शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब फॉरवर्ड बायस, ओपन सर्किट का मतलब रिवर्स बायस, RB मतलब रिवर्स बायस और FB मतलब फॉरवर्ड बायस बायसिंग, इसे आपको पता होगा। नहीं समझ पा रहे हो ज़्यादा मैं डीप में नहीं आना था इलेक्ट्रॉनिक में, बस आप समझ लीजिए कि V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तो डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, V1 इज लेस देन V2 होगा तो डायोड ओपन सर्किट काम करेगा, तो V1 निकालना पड़ेगा और V2 निकालना पड़ेगा, फिर लगाओगे KCL समथिंग लगाओगे, बड़ा बड़ा इक्वेशन सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कोशिश कर लो कोशिश करो इसको सॉल्व करने का, आईडी बताने की कोशिश करो। ट्रस्ट भी कुछ बच्चे तो देख करके कह देंगे सर मेरे तो हो नहीं पाएगा, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे होंगे, होप्सो वो कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करिए और मुझे बताइए आंसर, ठीक है। आईडी की वैल्यू जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे, और कोशिश करो चलो सब लोग करो फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कोशिश करो और देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। जिनको KCL से करना है KCL से करें, जिनको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, मैं तो उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही करवाऊंगा और आप देखोगे जल्दी कैसे लग जाता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि जब डायोड लगा होता है तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक भी लगा दिया, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाता हूँ है ना, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, प्लीज करिए। बताइए लग पा रहा कि नहीं पा रहा, एटलीस्ट मुझे बोल दो कि नहीं लग पाएगा तो सर मैं चालू कर दूँ उसको लगाना, अटेम्प्ट किया नहीं आ रहा है कोई बात नहीं लिख दो सर, मैं सर आप करो तो मैं कर दूँ, बस लिखना पड़ेगा चैट पे या कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि सर मैं करूँ, जैसे को होमवर्क दे दूँ, होमवर्क दे दूँ सर करें कॉल, होमवर्क दे दे चलो छोड़ो ताकि थोड़ा बहुत तुम लोग भी दिमाग लगाओ, कहीं गलती करोगे तो होमवर्क दे दो। किसी की चैट आ गई, चैट नॉट कमिंग, सिक्स ओरिक ने निकाला है सिक्स, ओरिक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ओरिक ने करंट जो निकाला है वो सिक्स निकाला है, अजोन ने लिखा नॉट कमिंग नहीं आ रहा है, ओरिक ने निकाला है सिक्स एम्पियर, बेटा सिक्स एम्पियर नहीं होगा रॉन्ग आंसर, कोई बात नहीं आपने सॉल्व किया है, ठीक है। और कोई बच्चे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चलिए इसको नहीं करते हैं, इसको हम लोग कल होमवर्क ले देते हैं, होमवर्क आपका है इसको करने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है मजा आएगा इसको करने की कोशिश कीजिएगा। सिक्स एम्पियर नहीं करेक्ट आंसर बता दो, फोर एम्पियर इज ए करेक्ट आंसर, करने की कोशिश करिएगा, फोर एम्पियर इज ए करेक्ट आंसर, चलो बढ़िया बात है, और इसने सिक्स एम्पियर निकाला है मीन्स इन्होंने ट्राई किया, ठीक है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो पूछ लीजिए, मैं सबको क्या कहते हैं अनम्यूट करता हूँ, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है कल मैं इसको बताऊँगा, साइड बाय साइड करते हुए रहेगा, अनम्यूट हो जाइए, कोई डाउट हो अभी तक का तो मुझे पूछ लीजिए और हम कल इसको बताएंगे, कल इसको होमवर्क की तरह दे देंगे, होमवर्क भी देना जरूरी होता है ना।